good morning all of you in today's lecture we will discuss about the different derivations related with the energy of the electron which is revolving around the nucleus according to the bohrs model of atom and we will also calculate about the radius about the velocity about the time period about the number of the waves which are formed when the electron is revolving around the nucleus in a particular shell so let's start today's lecture about all this. As you can see in the particular diagram, K electron is continuously been revolving. It is a postulate of the Bohr's model of the atom. K electron is continuously revolving in a fixed path. जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एक फिक्स्ड पाथ के अंदर ही रिवॉल्व करता है लेकिन जब वो फिक्स्ड पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी उसका फार्मूला क्या होगा व्हाट विल बी द द फार्मूला ऑफ एनर्जी फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर शेल और यू कैन से विच इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल वट इज द वेलोसिटी यू कैन सी आर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट शेल्स you can easily observe okay, the electron which is present in the first shell carefully see in the first shell n is equal to one the electron is moving very fast you can see about the electron which is moving in the shell number four which is moving slightly slower so means what is the formula behind it जो फार्मूला है वो क्या है कि जिसके बेसिस के ऊपर भी हम ये प्रूव कर पाए कि जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर है उसकी स्पीड ज्यादा होगी और जो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी स्पीड और कम होगी फोर्थ शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी स्पीड और भी कम होगी एंड सो ऑन उसके बाद नेक्स्ट वट इज द फार्मूला ऑफ द रेडियस देखो ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के सेंटर से लेके फर्स्ट शेल्फ तक का डिस्टेंस द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एंड रेडियस द रेडियस ऑफ दर्बिट तो वैसे तो ये सारी चीजें अभी हम कैलकुलेट करेंगे डिटरमाइन करेंगे रेडियस के बारे में डिटरमाइन करेंगे एनर्जी निकालेंगे टाइम पीरियड भी निकालेंगे के जब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन चला कंप्लीट रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से स्टार्ट हुआ चलना और दोबारा उसी पॉइंट के ऊपर सर्कुलर पाथ के ऊपर वहीं पे आ गया तो उसको कितना समय लगा इज द टाइम पीरियड इट तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन चलता है किसी भी शेल के अंदर तो वो डायरेक्ट जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है इसकी बजाय वो हमेशा कैसे चलता है इट इज मूव इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ दन वेव वन बन गई उसके बाद देखो ऐसे ये चला ये सेकंड वेव बन गई तो मीन्स वन वे उसके बाद ये सेकेंड वे हाउ मेनी विल बी फोड कितनी wave बनती है ड्यूरिंग द वन कंप्लीट रिवोल्यूशन जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन ने देखो चलना शुरू किया मान लीजिए फोर्थ शेल के अंदर और वो जब कंप्लीट दोबारा लौट के यहीं पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन तो उस टाइम तक टोटल कितनी वेव्स बन गई हाउ मेनी टोटल वेव्स आर फोड ड्यूरिंग द वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो इन सभी के जो फार्मूले हैं वो सभी हम अभी डिराइव करेंगे

और चार्ज की वैल्यू क्या होती है, की 19 जो चार्ज होता है एक एक के और वो रिवॉल्व कर रहा है एट ए डिस्टेंस आर हमने ये इसलिए लिखा एज्यूम क्योंकि वो हमें करना पड़ा कि किस डिस्टेंस के ऊपर है ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा बीच में न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और जब कभी भी एक रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस एयर तो क्या होगा बोहर्स ने ही ये बताया था कि इट विल नीदर लूज एनर्जी नोर गेन एनर्जी ना वो एनर्जी लूज करेगा ना वो गेन करेगा तो वो ऐसा जो होता है तो वो किस बेसिस पे होता है उसका मैथमेटिकल अभी, अभी हम देखेंगे तो दैट कैन इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विच इज रिवॉल्विंग एट ए डिस्टेंस आर अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग द पॉजिटिव चार्ज देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक्स

बोलते हैं इसे और इसकी वैल्यू क्या होगी नाइन मल्टीप्लाइड बाई टेन रेज टू दावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्र पर होगा देखो दो टाइप के ओपोजिटली चार्ज पार्टिकल कि इलेक्ट्रॉन है सेकेंड वन इज द न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन तो अकेला ही है इलेक्ट्रॉन इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसको हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं लेकिन जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस से मिल रही है और के अंदर, में भी था मैनी प्रोटॉन्स भी हैं वहां पे न्यूट्रॉन्स भी हैं वहां पे तो मीन्स देर आर मैनी प्रोटोन्स इसलिए हमने क्या लिखा द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा दैट इज के इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसलिए nucleus. Nucleus लिखा जेड इज द नंबर ऑफ द प्रोटोन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या पता कितने प्रोटोन हो, हो, हो सकता है वन ही हो, हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो मीन जितने भी हों जेड इज द नंबर ऑफ द प्रोटोन एंड ई इज द चार्ज ऑन द प्रोटोन ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि दोनों के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो सेम होता है लेकिन रिवर्स चार्ज होता है एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो सेम होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे के ऊपर क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा तो अब हम नेक्स्ट क्या बताने जा रहे कि जो इलेक्ट्रॉन देखो लिए, देखो जो घूम रहा है लगातार ऐसा वो क्यों कर पा रहा है रीजन बिहाइंड इट वो इसलिए नेगेटिव चार्ज पीसी दैट इज द इलेक्ट्रॉन हेयर वेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अनदर पॉजिटिव चार्जीसी दैट इज द न्यूक्लियस हेयर

q2 की वैल्यू वे, पुट कर दी बोलो क्या ze डिवाइडेड बाय r स्क्वायर r स्क्वायर की जगह हमने rn स्क्वायर लिख दिया क्यों n काक्ल नंबर ऑफ दी शेल हेयर देखो n इज इक्वल टू तो, देखो ये फर्स्ट शेल आप डायग्राम में देखें n इज इक्वल टू तो ये सेकंड शेल n इज इक्वल टू तो थर्ड शेल n इज इक्वल टू तो फोर्थ शेल मीन्स जिस भी शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को मानेंगे कि वो उस, उस पार्टिकुलर शेल के अंदर क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग आर एन स्क्र मीन्स जब भी इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करता है इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस

फोर ए इलेक्ट्रॉन फोर एन इलेक्ट्रॉन टू कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस तो मीन्स ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बोलो इक्वल हो जाएंगी मीन्स एफिकल टू के बोलो क्या था उंटर बैलेंसिंग इच अदर तो हमने इन दोनों को इक्वलीपुट यहाँ पे कर दिया है क्लिपुट करने के बाद देखो होगा क्या एक आर एन से देखो ये एक आर देखो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे हो गया ना यहाँ पे कैंसिल तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट अगर अब हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले रिवॉल्विंग विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी हम ये भी पर्टिकुलरली जानते हैं कि हमने बोहर्स का जो पोस्टुलेट था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर दैट इज इक्वल टू

यहां से अगर हम वी की वैल्यू निकाले इज द वैल्यू ऑफ इस वैल्यूर तो जो वी है इसको यहीं पे रख ले इस फॉर्मूले के अंदर वी यहीं पे रह जाएगा देखो ये वी एम आर को नीचे ले जाए टू पाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो वी इजिकल टू क्या आ जाएगा एन एच अपॉन टू पाई एम आर तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी वेलोसिटी की इसको बोलो कहां पे पुट करें इसको पुट करेंगे देखो यहां पे इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने इक्वेट किया था स्क्र अपन आर जो है वी की जगह हम पुट कर देंगे जब जैसे ही हम इसको पुट करेंगे और हमें कैलकुलेट क्या करना है रेडियस ऑफ दर्बिट तो देखो ये जो आर एन से एक आर तो देखो कट चुका है ना यहाँ पे तो सिर्फ ये बाकी है यहाँ पे तो बोलो क्या जाएगा आपका यहाँ पे R का आर का फार्मूला क्या होगा वट इज the फार्मूला ऑफ आर here? तो जब आर का जो फार्मूला जब हम पुट करेंगे लेकिन उससे पहले हमने क्या लिख दिया देखो के जेड ई स्क्वेयर देखो इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया के इजिकल टू जेड स्क्र डिवाइडेड बाय एम को हम कहां पे ले आएंगे बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम नीचे ले आएंगे देखो यहाँ पे नीचे क्योंकि एक आर एन से आर एन कैंसिल हो गया तो ये आर एन ऊपर चला जाएगा तो एम आ गया आपका नीचे देखो यहाँ पे ठीक हो गया इजिकल टू फिर आगे हमने किसके इक्वल पुट कर दिया बोलो ध्यान से देखना अभी तक हमने देखो आगे करेंगे हम दोबारा से कट करके दिखा देंगे जो चीज मैंने यहाँ पे बताई अभी हम सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यूज हमने कौन सी वैल्यू पुट की है तो के जेड ई स्क्वायर हमने देखो इकट्ठा पुट कर दिया फिर से आपको बता दें सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पे यहाँ पे बोलो कौन है ये आपका आर एन स्क्वायर देखो ये आर एन स्क्वायर आपका एस है यहाँ पे इस एम को अभी आप यहाँ से हटा दें M तो इस पूरे फैक्टर का स्क्वेयर कर दे तो ऊपर एन एच है तो देखो एन स्कर एच स्क्र और डिवाइडेड बाई टू पाई एम आर का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा टू का स्क्र देखो फोर पाई का pi square, एम का एम स्क्र और ये आर एन स्क्र क्लियर हो गया तो जस्ट हमने क्या किया है वैल्यू पुट की है बोलो किस कि चीज की v की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी उसके बाद आप कैंसिल करें कोपन कॉमन टर्म्स को तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बड़े ध्यान से देखें देखो ये आर एन स्क्र से ये आर एन स्क्र देखो कैंसिल हो गया ठीक हो गया उसके बाद और देखो और क्या क्या चीजें आपकी कैंसिल हो जाएंगी अब ये जो आर है यहाँ पे अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करें आर का फॉर्मूला हमें निकालें आर को आर एन को ऊपर ले जाएंगे और जो ऊपर है, तो है आप ध्यान से मैच करते जाना ताकि कोई चीज छूटे ना एन स्क्र एच स्क्र देखो एन स्क्र हो गया एच स्क्र हो गया प्लस देखो ये एम से एक एम भी तो कैंसिल होगा नीचे ऊपर एम है नीचे एम स्क्र है तो एम से एम कैंसिल हो गया तो एन स्क्र एच स्क्र हो गया डिवाइडेड बाय बोलो क्या फोर पाई स्क्र ये रहा फोर पाई स्क्र आगे एम देखो वन एम बच गया यहाँ पे और के जेड स्क्र ये कहां पे देखो ये रहा ये K, ये जेड और e square, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ गया सो दैट इज ऑफ द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है तो ये फार्मूला अब आप ध्यान रखेंगे तो वट इज द फार्मूला ऑफ दैट रेडियस आर एन इज इकल टू एन स्क्र एच स्क्टर डिवाइडेड बाय फोर पाई स्क्र एम के जेड स्क्र इन मीटर वो तो यूनिट कन्वर्जन आपको आता है मीटर को सेंटीमीटर इस टाइप से आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बाद अब हम क्या करेंगे हम सिर्फ n स्क्वायर को छोड़ेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ n स्क्वायर को ही हम यहाँ पे छोड़ेंगे और नीचे से हम सिर्फ छोड़ेंगे यहाँ पे जेड को देखो सिर्फ जेड को ये ध्यान रखेंगे आप अब देखें यहाँ पे देखो हमने क्या किया

तो यहां पे आप वैल्यू पुट कर दे सारी वैल्यू जब आप पुट करते हैं तो आपका आंसर आएगा आएगा 0.529 z angstrom ये आपका आएगा। इसको आप याद करेंगे फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट अगर हम देखें अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें बोलो किसकी वैल्यू पुट करते हैं जेड दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू अगर हम यहाँ पे वन पुट कर दें क्योंकि हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर वन होता है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी वन ही होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्योंकि आपको पता है जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं किसी भी एलिमेंट को आपने एक्स रिप्रेजेंट किया उसके एटॉमिक नंबर जेड था उसका एटॉमिक मास आपका ए था

मान लीजिए फर्स्ट शेल के अंदर ही मूव कर रहा है तो उस वक्त हम आर वन लिख देंगे और आगे क्या लिख देंगे जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एन स्क्र और एन देखो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा ना इफ इफ एटम इज हाइड्रोजन फोर एच एटम फोर बोलो कौन से एटम के लिए हमने ऐसा लिख दिया फॉर द हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट शेल अगर वो फर्स्ट शेल के अंदर मूव कर रहा हो अगर वो फर्स्ट शेल के अंदर मूव कर रहा होगा तो हम एन की वैल्यू भी बोलो क्या पुट कर देंगे यहाँ पे वन अगर वो सेकंड शेल में मूव कर कर रहा है तो हम N की वैल्यू क्या पुट कर देंगे टू यानी इस से तो इसलिए ये आपका फॉर्मूला बन गया आपके रेडियस के बारे में आर एन हम लिख देंगे वन की वजह आर एन हम लिख देंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ जेड इज इकल टू वन तो रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट बिट आर एन इज इकल टू आर वन एन स्कोर हमने क्यों लिखा ये हमने कंपैरिजन की फॉर्म में लिखा है कि अगर हमें निकालना हो किसी भी शेल के लिए किसी भी शेल के लिए तो फिर हम कैसे निकालेंगे किसी भी शेल के लिए अगर हमें निकालना हो तो आर वन की वैल्यू देखो यहां पे आप पुट करें तो आर वन की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो आर वन इज टू बोलो क्या होगा जीरो पॉइंट फाइव टू एंगस्टोन ये वैल्यू फिक्स है क्योंकि एन की वैल्यू हमने पुट कर दी वन तो बोलो आर वन आर वन क्या है देखो जो हमने यहां पे लिखा है देट इज द आर वन हेयर देखो ये आर वन है यहाँ पे तो ये जो आपका फार्मूला है देखो ये जो इतना बड़ा आपका ये फार्मूला है देखो ये फार्मूला इस पूरे फार्मूले में आर वन की वैल्यू जब हम निकालते हैं आर वन की वैल्यू फॉर द हाइड्रोजन आइटम जेड की वैल्यू हमने वन पुट कर दी तो उस वक्त हम क्या करें देखो जेड की वैल्यू तो आप वन पुट पहले ही कर चुके थे और जो जीरो पॉइंट देखो आर वन इजल टू जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन तो ये जो जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन है देखो ये जो इतना पोर्शन है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बोलो आर वन देखो ये रहा आर वन तो इसी की जगह तो हमने बोलो क्या लिख दिया यहाँ पे आर वन लिख दिया और आगे एन स्क्र बच गया यहाँ पे बोलो क्या बच गया एन स्क्र तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या बन गया आर एन इज इकल टू आर वन एन स्क्र एन सो दट इज अबाउट द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट अब इसके बारे में देखो फर्दर हम आपको बताते हैं कि रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट जो अभी हमने लिखा आर एन इज इकल टू आर वन एन स्क्र वे रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट जो रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का देखो यहां से यहां तक फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू द फर्स्ट शेल दर्स द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग दैट रंग आर वन है यहाँ पे आर यह वन है उसके बाद अगर हम देखें व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट तो हम कैसे कैलकुलेट करें तो ये ऊपर जो हमने अभी अभी फॉर्मूला लिखा देखो ये आर एन इज टू आर वन एन स्को आर एन की जगह आर टू लिख देंगे हम और एन की वैल्यू टू पुट करते हैं आप यहाँ पे देखो आर वन और एन की वैल्यू क्या पुट किया हमने देखो टू तो टू का स्क्र बोलो क्या आ गया फोर आर जो ये सेकेंड ऑर्बिट होगा अगर हम इसका रेडियस देखें देखो ये रेडियस जिसे हम आर टू कह रहे हैं देखो आर टू ये किसके इक्वल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू तो ये जो रेडियस होगा इसका इसकी वैल्यू बोलो कितनी होगी फोर आर वन इसकी वैल्यू हो जाएगी उसके बाद अगर हम थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात करें आर थ्री देखो हम यहाँ पे आर थ्री लिख देंगे दैट इज इक्वल टू आर वन का की बात करें तो थर्ड शेल का अगर हम रेडियस देखेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा यहाँ से लेके और बोलो कहाँ तक बोलो ये थर्ड शेल यहाँ पे हो गई दैट इज आर थ्री दैट इजल टू बोलो कितना हो जाएगा नाइन आर वन नाइन आर वन आर वन की वैल्यू अभी हमने बताई थी जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर तो हो जाएगा तो ये जो डिस्टेंस होगा देखो इसी टाइप से सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके देखो ये जो फोर शेल यहां तक का देखो ये जो डिस्टेंस है ये आर फोर है जो ये फॉर्मुला हमारा निकलाउट द एगामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और ये न्यूमेरिकल बिल्कुल ऐसे ही आने होते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और वैसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो दिस शोज दैट इसने क्या प्रूव किया यहाँ से इसने ये प्रूव किया कि मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है उसके बीच में देखो न्यूक्लियस है ये हमारी फर्स्ट शेल है ये सेकंड शेल ये थर्ड शेल जैसे मैंने पहले वहां पे देखो ड्रा करके लिख भी दिया है फिर भी दैट इज आर वन और ये जो आर टू है क्योंकि shell, देखो, ये है, two, बोलो क्या होगी दैट इज द शेल नंबर थ्री तो फर्स्ट शेल का बोलो ऑर्बिट कितना हुआ आर वन इज इकल टू सेकेंड क्या होगा उसका रेडियस फोर आर वन यानी आर वन का फोर टाइम्स होगा थर्ड शेल का रेडियस बोलो ऑर्बिट

शेल और सेकंड शेल की रीडीआई का अगर हम डिफरेंस देखेंस टू माइनस आर वन अगर हम देखें तो आर टू बोलो कितना था अभी हमने कोरिलेशन देखो ऊपर निकाल लिया कि किसके इक्वल है दैट इज माइनस में आर वन हो गया दैट इज बोलो कितना आ गया दैट इज इक्वल टू ये कम होगा दैट इज लेस देन बोलो किससे नेक्स्ट को देखे आप बोलो क्या आर थ्री माइनस आर टू आर थ्री माइनस आर टू बोलो कितना हो जाएगा वो वैल्यू अगर अगर हम यहाँ पे पुट करें तो आर थ्री बोलो कितना था जल्दी दे ऊपर हमने लिख रखा है R3 था यहां पे R1, देखो ये 9 तो 9 में 4 R1, बोलो, ये कितना आ जाएगा नाइन माइनस फोर फाइव दैट फाइव आर वन तो मीन ये इससे क्या है कम है थ्री आर वन की जो वैल्यू होगी वो कम होगी किससे फाइव आर वन वही हमने लिखा द डिफरेंस ऑफ द रेडीआई बिटवीन द लेवल्स बोलो क्या हो गया ऑल्सो इनक्रीजेस आपको के दिखाएं, R4 R3, अगर हम करके तो क्या आंसर आएगा बोलो आर फोर का क्या है दिक्सटीन आर वन आर थ्री का क्या था नाइन आर वन देखो लेस देन हमने बताया तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा सिक्सटीन माइनस नाइन दैट इज अवन सेवन आर वन तो ये चीज हमने प्रूव की है यहाँ पे इस फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर मैथमेटिकली हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं अब हम नेक्स्ट देखेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि फॉर एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू कंटिन्यूअसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस आपका ये जो फैक्टर है बोलो क्या लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक वाला था के वन जिसको ई e कहा क्यू टू जिसको जेडी कहा डिवाइडेड बाय आर इट इज ऑलवेज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो जनरेट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी दैट इज के पार्टिकुलर ऑर्बिट कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है मान लीजिए इट इज मूविंग इन द फर्स्ट शेल देन व्हाट इज द स्पीड इफ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द सेकंड शेल देन व्हाट इज द स्पीड इज मूविंग इन थर्ड शेल देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन

तो ये फॉर्मूला हम देखो दोबारा लिखते हैं के जेड स्क्वेयर देखो ये के एसच रहा ये जेड ई बन गया देखो इतना पोर्शन जेड स्क्वेयर ध्यान से देखते जाएंगे आप हर चीज को के जेड ई उसके बाद आगे हमने क्या किया नीचे देखो एक आर बच गया था देखो ये आर बचवा देखो यहाँ पे देखो ये आर जहां पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे ये वैल्यू पुट करेंगे बोलो कौन सी वैल्यू एन एच अपॉन टू पाई एम वी तो यही हमने पुट किया है देखो डिवाइडेड डिवाइडेड में में था नीचे, आर, पे में था नीचे देखो देखो पे तो ये ऊपर चला गया टू पाई एम वी देट इज इक्वल टू उधर क्या बच गया सिर्फ क्योंकि आपका आर से आर तो कैंसिल हो गया था इज इक्वल टू एम वी स्क्र क्लियर हो गया इतना अब हमें क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हमें वी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो वी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें देखो एक वी से एक वी भी देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एक एम से एक एम भी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे देखो ये एक वी बच गया देखो ये यह वी यहाँ पे बच गया तो वी का फॉर्मूला डायरेक्ट आ, आ गया आपके पास यहाँ पे वी एन उसके बाद ई स्क्र देखो ये हमने लिख दिया डिड बाई एन एच ए इस पूरे के पूरे फार्मूला में हमें देखे फॉर्मूला अब हमें याद रखना है लेकिन मेन चीज जिसके बेसिस के ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मेन चीज देखो क्या है यहाँ पे दो चीजें आपकी चेंज होंगी विच आर चेंजेबल एक अलग बात के जो फॉर्मूला है दैट इज एप्लीकेबल फॉर द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन फॉर एग्जाम्पल एच हाइड्रोजन के लिए क्योंकि इसके अंदर वन ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो ये नीचे बोलो क्या होता है दैट इज द एटोमिक नंबर देखो ये यहाँ पे एटोमिक नंबर है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ दी प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 1 है अगर हम बात करें जैसे हीलियम एटॉमिक नंबर जिसका 2 होता है तो एटॉमिक नंबर 2 तो प्रोटॉन्स भी 2 गए लेकिन अगर हम इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा दें Hg+ -E तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 हो जाएंगे

होते हैं अब आगे देखें तो यहां पे इसीलिए हमने कहा है कि जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी जैसे हमने कहा हाइड्रोजन के लिए वन हीलियम के लिए टू होगी एटॉमिक नंबर टू होगा लिथियम के लिए थ्री होगा लेकिन किस शेल में वो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो एन की वैल्यू हो जाएगी दैट इज द नंबर ऑफ द शेल और द नंबर ऑफ ऑर्बिट हम इन सारी चीजों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बच्चो फैक्टर को टू पाई उसके बाद ई e स्क्र जो हम जानते हैं के की वैल्यू एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट तो आपका फॉर्मूला आ जाता है टू तो पॉइंट से अगर हम देखें अगर कोई इलेक्ट्रॉन देखो फर्स्ट शेल में मूव कर रहा है तो एन की वैल्यू अगर हम वन पुट कर दें एन की वैल्यू क्या पुट कर दें वन पुट कर दें और ये हाइड्रोजन होता है यहाँ पे तो जेड की वैल्यू भी क्या पुट कर दें हम वन अगर हम हाइड्रोजन के लिए लेके देखें तो जेड की वैल्यू क्या हो गई वन तो उस वक्त जो ये बच गया फैक्टर वो सिर्फ यही बचा ये क्या है दैट इज इक्वल टू है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कब व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द फर्स्ट शेल तो वन हो गया और उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू टू पॉइंट वन एट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन ड्रीज टू दावर सिक्स मीटर पर सेकेंड इफ इट इज रिवॉल्विंग द फर्स्ट शेल जैसे आपको दिख रहा है यहां पे और आप ध्यान से देख भी पा रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग द फर्स्ट इट इज मूविंग द मोर स्पीड वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है एज कम्पेयर टू द अदर इलेक्ट्रॉन विच आर मूविंग इन द द और थर्ड शेल और द फोर्थ देल आप बड़े आराम से बड़े केयरफुली इस पूरे डायग्राम को देखें स्पीड आपको दिखेगी यहाँ पे हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड अलग अलग है फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है खैर यहाँ पे ये V1 आ गया तो अब हमारा जो फार्मूला था यही फार्मूला इस फार्मूले के अंदर हम ये 2.186 जो है इसकी जगह बोलो क्या पुट कर देंगे यहाँ पे इस फार्मूले हम पुट करेंगे v1 v1 और Z की वैल्यू तो पुट कर दी तो नीचे आपका वन रह गया फॉर द अदर एटम्स अगर हम देखें आगे. तो आपका फार्मूला बोलो क्या बन जाएगा वी एन इजिकल टू वी वन डिवाइडेड बाई एन मीन्स स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑफ ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट से fourth orbit fifth orbit and so on to so v n ka matlab in a particular orbit is always equal to v1 when the speed when the electron is present in the first orbit v1 divided by n to so, ye relation bhi hame dhyan rakhna aur aapne yaha pe dekha ki the speed of the jo electron hai in a particular orbit that is inversely proportional to the n n inversely proportional to the n inversely means ke jaise hi dekho ab hum yaha pe graph plot karte hain vn versus n इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर शेल वर्सिज एन एन इज द नंबर ऑफ द शेल मीन्स जो आपकी सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे है बड़े ध्यान से देखना यह हमने ग्राफ लोड कर दिया देखो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है मीन्स जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहली शेल के अंदर मान लीजिए यहाँ पे एन की वैल्यू वन है पहली शेल में है तो उसकी स्पीड बोलो क्या होगी सबसे ज्यादा है ध्यान से देखे मैंने पॉइंट नोट कर दिया अगर वो सेकंड शेल में ध्यान से देखे हम तो करते हैं तो उसकी स्पीड आप बड़े ध्यान से देखे, देखो उसकी स्पीड कम है उसके बाद अगर हम थर्ड शेल में चलते हैं तो उसकी स्पीड देखें और भी कम हो गई है एंड सो ऑन मीन्स जैसे ही फैन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा फर्स्ट शेल

Velocity, जिसे आप कह देते हैं मीन्स किसकी इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन हेयर पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम स्पीड इज इकल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा टाइम को आप ऊपर ले जाए स्पीड को नीचे सो द टाइम पीरियड इज ऑलवेज इकल टू दिस्टेंस बाय द स्पीड और देलोसिटी अब डिस्टेंस की बात करनी है हमें तो डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस हम किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात करते हैं हमें ये पता है कि हेयर अकॉर्डिंग टू द बोहर पोस्टुलेट्स इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अगर हम एक शेल को सर्कल की मान के चलेंगे सर्कल की में हो जाएगा, तो डिस्टेंस मतलब अगर देखो कोई इलेक्ट्रॉन आप ध्यान से देखना उस डायग्राम की तरफ अगर हम एन इज टू फोर्थ शेल की बात करें और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक पॉइंट से चला देखो मान लीजिए हमने ये डोट लगा यहां से वो इलेक्ट्रॉन चला दोबारा यहीं पे वो वापिस आ गया सो देट इज द वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जहां से चला वहीं पे वापस वो इलेक्ट्रॉन आ गया दैट इज इज व्हाट द डिस्टेंस बाय ड्यूरिंग दैट टाइम यानी कितना टाइम लिया इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए दैट इज द टाइम पीरियड टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है द टोटल टाइम टेकन द टोटल टाइम टेकन फॉर द वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के दौरान जो टाइम

उसके बाद हमने ये पता है कि रेडियस का फार्मूला क्या था हमने निकाला था ना एन स्क्म के नीचे लिखा अभी इसके अंदर दो फैक्टर की तरफ ध्यान दे देखो जो हमने रेड कलर से करके दिखा है एन और जेड की तरफ मीन जो अभी हमने फार्मूला लिखा टाइम पीरियड का डिस्टेंस बाय वेलोसिटी और उसमें डिस्टेंस सर्कम्फ्रेंस ऑफ दी सर्कल टू पाई आर एन डिवाइड बाई वी एन तो ये जो और फैक्टर तो कॉन्स्टेंट है देखो टू इज ए कॉन्स्टेंट पाईज कॉन्स्टेंट मीन जो टाइम पीरियड है

तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे मीस प्रपोर्शनल टू एन स्क्र अपॉन जेड देखो हमने क्या लिखा एन स्क्र अपॉन जेड इज फॉर दर एन और सिमिलरली वेलोसिटी में देखे तो उसमें क्या था ऊपर हमने फॉर्मुले में बताया था ना कि आप इस चीज को ध्यान रखेंगे यहाँ पे बोलो तो क्या चीज थी कौन से दो फैक्टर दैट इज जेड और एन देखो ये रहा जेड और ये एन तो हमने क्या लिखा जेड बाई एन तो मीन्स जो वेलोसिटी या जो स्पीड है दैट इज प्रपोर्शनल टू जेड बाई एन हमने जेड बाई एन लिख दिया और जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल है एन स्क्र बाय जेड तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया अब इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो फिर आगे फर्दर क्या होगा जेड बाई एन है तो देखो एन तो आपका ऊपर आ जाएगा यहाँ पे तो एन स्क्र है पहले से ऊपर तो एन क्यूब हो जाएगा जेड नीचे आ जाएगा तो नीचे जेड स्क्र तो इट इज प्रपोर्शनल टू एन स्क्र डिवाइडेड बाय जेड स्क्र एन क्यूब डिवाइडेड बाय जेड स्क्र में जो टाइम पीरियड होता है वो एन के क्यूब के तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है

कैसे करेंगे टाइम पीरियड क्या था तो कैलकुलेट कर, कर दिया था तो टू क्या आ जाएगा जेड स्केयर ऊपर देखें एन क्यूब डिवाइड बाय जेड स्केयर था इसका रिवर्स हो गया तो ये हमने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड भी यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है तो ये आप ध्यान रखेंगे इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द एनर्जी के बारे में द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द माइनस टू काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी आ जाएगा माइनस में काइनेटिक एनर्जी अब जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एंड स्क्वायर तो माइनस साइन हमने साथ लगा दिया हाफ एंड वी स्क्वायर हो गया वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि v इज इक्वल टू बोलो क्या था 2 पाई जेड स्क्वायर k डिवाइडेड बाय nh तो सिंपली जो v है देखो ये जो v है v का फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे v की जगह इस पूरे फैक्टर का हमें स्क्वायर कर देंगे हम तो जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो एनर्जी बोलो कितनी आ जाएगी एन इजिकल टू बोलो वन अपॉन टू एज सच है एम बी एस स्क्र एज है देखो ये इतना फैक्टर तो ऐसा है अब v की वैल्यू पुट की तो देखो ये सारी फैक्टर देखो स्क्वेयरिंग में आ गया देखो ये इतना फैक्टर इसका देखो स्क्वायर किया इतने फैक्टर का स्क्वेयर का स्क्वेयर ई फोर हो गया के का स्क्र के स्क्र पीछे एन एच था तो क्या हो गया एन स्क्यर एच स्क्र क्लियर हो गया यहां तक तो ये हमने एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है लेकिन साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखेंगे ये जो फार्मूला आपका यहाँ पे आया इसके अंदर देखो हमने इसको इकट्ठा कर दिया आप यहाँ पे बोलो कैसे किया टू टू जो फोर ध्यान से देखें देखो टू -टू -जा -फोर, देखो अब रह गया उसके बाद हमने इसको इकट्ठा लिख दिया सारी चीज है सच है अंदर आपका ये आ गया इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि वेन ए, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज वो क्यों मूव कर पा रहा है विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनी ऑफ द एनर्जी तो हमने पहले ही बताया था कि जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक के अंदर के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर देखो जो हमने लिखा इट इज इक्वल टू इट क्रिएट्स जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के साथ जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहता है इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट और द शेल विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी

हम यहाँ पे V की वैल्यू ना पुट करके हम ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो ये जो अभी हमने पुट किया, देखो, टू, वन बाई टू, के कैंसिल हो गया देखो हमने क्या किया दोनों साइड से वन बाय टू देखो इधर भी वन बाय टू हमने कर दिया देखो इधर भी हमने वन बाय टू कर दिया सिंपल मैथमेटिक्स तो ये जो हाफ एम वी स्क्र है देखो इतना पोर्शन देखो जो इधर वाला है व्हाट इज दैट दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल भी होती है जैसे मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी टू हाफ तो जो अभी हम देखो यहाँ पे अब आगे देखो लिखने जा रहे देखो यहाँ पे देखो जो ये फैक्टर अभी अभी हमने लिखा ये कहाँ से आया ये हम बता रहे हैं कहाँ से आया हमने ऊपर क्या क्या किया है कि जो कैनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गए देखो यहाँ पे देखो ये फैक्टर ये कौन है बड़े ध्यान से देखे वन बाय टू देखो ये रहा वन बाय टू ये वन बाय टू ही है मल्टीप्लाइड बाय के देखो के ही है आगे जेड जेड इज के डिवाइड बाय आरएन देखो आरएन एक आर से एक आर कैंसिल हो गया था मीन्स देर आर बोथ वेज दोनों वे है यहाँ पे हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के दोनों फार्मूले आपको लिख के दिखाए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर तो होती ही होती है प्लस काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू बोलो किसके देखो ये वन बाय के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय

R means, R is equal to, हमने पहले ही देखो ये calculate कर, square, H square square, mk, एनर्जी का रिलेशन दोबारा से यही आ जाएगा देखो बिल्कुल सेम रिलेशन आप कैलकुलेट करके बड़ी आराम से देख सकते हैं बिल्कुल सेम आएगा अलग नहीं आएगा मीन्स वी कैन डिटरमाइन द फॉर्मुला ऑफ द एनर्जी इन दीज टू डिफरेंट वेज दोनों के दोनों तरीके आपको बता दिए गए हैं फर्दर अगर हम सारी की सारी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे सिर्फ क्या रखें अगर हम यहाँ पे रखें देखो ये सिर्फ एन स्क्र यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर तो फिर आपका जो फार्मूला है एनर्जी का देखो वो क्या बन जाएगा तो ई एन इजिकल बोलो क्या माइनस में तेरह सो बारह अपॉन एन स्क्र किलो जूल पर बोल जेड इज द

अगर हम ये जानते हैं अगर हम फर्दर यूनिट कन्वर्जन देखते हैं अब देखो पे आप सिक्स पॉइंट जीरो आंसर आ जाएगा किलो जूल पर एटम किलो जूल को मोल में बदलें तो किलो जूल तो ऊपर है तो मल्टीपाइड बाय हंड्रेड कर दें मीन्स इस पूरे के पूरे फार्मूले को देखो इसको अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय

करके लिख देते हैं तो ये डायरेक्ट फार्मूला आपका जूल पर एटम की फॉर्म में हमने बताया फर्दर अगर कई बार जो क्वेश्चन है उसमें आता है इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट की फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल के साथ क्या रिलेशन है जस्ट पुट द वैल्यू पुट करें <coughs> देखो हमने दोबारा से क्या किया जो ऊपर हमारा ये फार्मूला था देखो ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है जो ऊपर ये रिलेशन था ईएन का इसको हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब joule, और यूनिट बोलो क्या बनेगी यहाँ पे देखो हमने क्या ऊपर वाली चीजें तो देखो ये बेसिक है देखो जो हम पहले ही कर चुके हैं 1000 क्योंकि किलो जूल को आपने किस में कन्वर्ट किया जूल में मोल्स को हमने एटम में कन्वर्ट कर दिया अब जूल को भी हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं बोलो किलो जूल जो है तो हम ये जानते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड माइनस में जूल तो वन जूल किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से अगर आप देखें तो जो वन जूल है दैट इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय कैसे आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाय टेन रेज टू दावर माइनस में नाइनटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपको ऊपर दिख रहा है कि किलो जूल जूल तो ऊपर ही है तो, है, तो वन जूल की जगह वन वन तो फिर, करें, करें, तो फिर क्या हो जाएगा बोलो आपका आंसर अब किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर आपका आंसर आ जाएगा तो माइनस ही रखेंगे माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम तो ये डिफरेंट जो रिलेशन है वेरी बेसिक रिलेशन मीन्स जो ये कन्वर्जन है ये आपको आने चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करें जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करें पर मोल है तो मोल को एटम्स में कैसे कन्वर्ट करें मीन्स ये सारे यानी यही वो पॉइंट होंगे जिसके बेसिस के ऊपर आपका जो न्यूमेरिकल है जो क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में वो गलत हो सकता है तो ये कन्वर्जन करने आपको आने ही चाहिए इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे अब इसके बाद हम देखो ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं यहाँ पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्राफ यहाँ पे अब जो रिलेशन यहाँ पे आएगा देखो हम थोड़ा आपको ये बता दें कि मान लीजिए एटम हाइड्रोजन ही होता तो अब जेड की वैल्यू बोलो क्या पुट करते हैं यहां पे फर्स्ट शेल के अंदर अगर देखें ई वन इजल टू ये भी आपको साथ के साथ बता दें ई वन इजल टू बोलो क्या हो जाएगा थर्टीन पॉइंट सिक्स और जेड की वैल्यू वन वैल्य 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 पुट करते हो फर्स्ट शेल में ही घूम रहा होता है इनकी वैल्यू भी वन तो बोलो क्या आ जाएगा थर्टीन पॉइंट सिक्स

तो बोलो आप क्या लिखेंगे तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देंगे EN, बोलो क्या आ जाएगा बताओ शिवा जल्दी से इसकी जगह क्या, क्या लिखे थर्टीन पॉइंट सिक्स क्या लिखे ई वन तो ई वन डिवाइडेड बाय बोलो क्या आ गया यहाँ पे एन स्क्र नीचे बोलो क्या लिख देंगे आप एन स्क्र आप ऐसे करके लिखते हैं एन स्क्र ई वन डिवाइडेड बाई एन स्क्र में जो एनर्जी है वो आपके एन के स्क्र के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है

तो माइनस साइन क्यों के साथ में है तो आपको ये लगता है यूनिवर्सली है बिल्कुल ठीक है लेकिन देर इज ए माइनस साइन सो द एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग तो आपका ये ग्राफ इस टाइप से आ जाएगा एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है तो जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी क्या होगी इंक्रीज हमने पीछे बताया भी था ना कि इट इज दैट के इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी जीरो एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनिटी के ऊपर प्रेजेंट है इनफाइनाइट शेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी जीरो होगी तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा नजदीक और नजदीक और नजदीक तो क्या होगा था अट्रैक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग अट्रैक्शन होने से एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो एनर्जी कम हो जाएगी

इसके बाद एनर्जी निकाल लिये। उसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि शेल के इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर दिया अमाउंट ऑफ द एनर्जी देखो मान लीजिए हमने ये कोई इलेक्ट्रॉन दिखा दिया देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोर शेल में लीजिए ये अट्रैक्शन है यहाँ पे इसके बीच और ये जो एटम है ये आपके सामने जो एटम इज प्रेजेंट इन द गैसीय स्टेट नाउ हाउ मच एनर्जी बीन प्रोवाइडेड हम कितनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हो जाए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए यहां से लॉस्ट सो दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज कॉल्ड एज द आयनाइजेशन एनर्जी मींस द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल

तो एनर्जीशियन एनर्जी का फॉर्मुला क्या आएगा दैट इज इक्वल टू बोलो क्या ई माइनस ई वन ई इन्फिनिटी माइनस ई वन मीन कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी मीन्स अगर हम ये देखें क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कहां पे पहुंचाना है बोलो बिल्कुल इनफाइनाइट तक पहुंचा देना बिल्कुल उसकी अट्रैक्शन ही बेक हमें कर देनी है तो मींस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब देखेंगे व्हेन इट इज प्रेजेंट एट द इनफिनिटी के ऊपर देखो ये इनफाइनाइट हमने देखो ये ड्रा कर दिया ये फॉर्मूले के अंदर e infinite, अगर हम यहाँ पे पुट कर आएगा दे, माइनस तो देखो, देखो अगर हम ऐसे कर दे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम ठीक हो गया तो ये तो एनर्जी होगी इस इनफाइनाइट के अंदर एक हम एनर्जी निकालेंगे बोलो कहां पे एन इजिकल टू फर्स्ट के अंदर देखो यहां पर है तो बोलो क्या होगी इज इकल टू माइनस थर्टीन पॉइंट डिवाइड बाय बोलो क्या आ जाएगा वन का स्क्र जो फर्स्ट में है तो मीन इन्हीं दोनों के बीच का हमें एनर्जी का बोलो क्या देखना है डिफरेंस इलेक्ट्रॉन जो पहली शेल में था देखो ये हमने मान लीजिए पहली शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन के अंदर हम जानते हैं ना कि हाइड्रोजन के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन हम ये मान के चलते हैं सारे फॉर्मूलाज को फॉर द एच एटम ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में तो काफी इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन है, एटम ही होता और हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता, और वो सिर्फ शेल का होता। यहाँ पे लिखते है इलेक्ट्रॉनों को नेग्लेक्ट करतेर इज नो मोर इलेक्ट्रॉन और बाहर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको कहाँ पे पहुंचाना है उसको पहुंचाना है इनफाइनाइट तक उसको लॉस करवाना है कितनी एनर्जी अब बाहर से हम देंगे यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एनर्जीशियन एनर्जी और जो एनर्जी हम देंगे वो किसके बीच का डिफरेंस होगा देखो ये ईवन है यहाँ पे ई e इनफाइनाइट है तो ये जो गैप है बीच में एनर्जी दैट इज इक्वल टू द बोलो क्या ई इनफाइनाइट माइनस में ईवन है मीन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो है ये इतनी एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ेगी दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज द मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव तो आयनर्जिशन एनर्जी इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है बोलो वहां पे यही तो हमने लिखा है कि ई इनफाइनाइट फाइनाइट माइनस ईवन तो इज इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा ई इनफाइनाइट मीन जैसे हमने इनफाइनाइट की वैल्यू पुट की देखो इस फॉर्मूले में तो जीरो आ गया माइनस ई वन तो एनर्जिशियन एनर्जी इज इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा माइनस में ई वन आ जाएगा तो सिमिलरली मींस एनर्जिशियन एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल है जो हमने ऊपर देखो फार्मूला लिखी रखा है ई अगर हम पुट कर दें उस फार्मूला के अंदर देखो ई e N जो है ईवन अगर हम पुट कर देंगे जैसे मैंने अभी यहाँ पे यह हाइड्रोजन तो एटम अगर हम देखें तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इट इज इक्वल टू माइनस पॉइंट सिक्स के रिलेट्रॉन वोल्ट एटम तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू देखो एन की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी बोलो यहाँ पे वन हमने पुट कर दी तो इज इक्वल टू माइनस में इन इलेक्ट्रॉन वोटमू है तो हम क्या लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं कि आयोनाइेशन एनर्जी ऑफ एनी ऑफ दिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू आई एच देखो इसके जगह हम क्या लिखे माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स देखो हमने ऊपर अभी निकाल दिया ना यहाँ पे कि आई ई एच इज इकल टू बोलो क्या होगा ये माइनस थर्टीन तो माइनस थर्टीन की जगह हम क्या पुट कर देंगे आई ई एच मीन आइनर्जिशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाइड बाय बोलो क्या है जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम तो ये आपका आंसर आ जाएगा आइनर्जिशन एनर्जी ऑफ एनी ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम

रेडियस ऑफ दर्बिट रिलेशन और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं तो उसी परस्पेक्टिव के ऊपर हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज आपको बताए तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर हम डिफरेंट न्यूमेरिकल पोर्शन लेके आएंगे सो थैंक यू दैट ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर थैंक यू